पुष्पा आंटी सेम उल्टा चक्कर आपके भाइयों ने आपको राखी बांधी वो भी इतनी सारी अरे बहुत लंबी कहानी है वो छोड़ तेरे हाथ में एक ही राखी क्यों तेरी एक ही बहन है हाँ क्यों रे आजू बाजू वाली लड़कियां तुझे आके राखी नहीं बांधती क्या तू बंधवाता नहीं क्या पुष्पा आंटी आप भी ना क्या मैं भी क्या ए चिजला ए सेम टू सेम रे लेकिन फिर भी मेरी राखी ना तुझसे ज्यादा है लेकिन तेरी इतनी सारी बहन है अरे नहीं नहीं एक भी बहन नहीं है मेरी तो फिर ये तो स्कूल की लड़कियां ढूंढ ढूंढ कर मुझे जबरदस्ती बांध गई बोलो आधी क्लासमेट से मेरी बहन है तो गर्लफ्रेंड किसको बनाओ यार बेचारा वैसे गिफ्ट क्या देगा इन सबको छोड़ो ना यार आंटी एक तो राखी बांध गई ऊपर से उन्हें गिफ्ट भी दू चलिए पुष्पा आंटी सरन सर ने आज सबको बुलाया है ए, हाल हाल ऐसे इतनी सारी राखी किसने बांधी तुझे राधा काकू कोकिला शोभा नीलिमा सुशीला टीना लीना सौम्य डिटेल में ना मैं बाद में बताऊंगी हां ए सर आ गए रे गुड मॉर्निंग सर वेरी गुड मॉर्निंग सो नाउ दैट ऑल ऑफ यू आर हियर आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है नानावटी सर चाहते हैं कि स्कूल में वक्तृत्व स्पर्धा रखी जाए वक्तृत्व स्पर्धा मैंने एलोकेशन कंपटीशन इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये प्रतियोगिता हिंदी में मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इससे थोड़ा ज्यादा जोश और थोड़े ज्यादा उमंग से सब में भागें फोक्स उसमें नहीं उससे भाग लेंगे नहीं कुछ नहीं सर टॉपिक क्या है वेल दैट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज ऑन द स्पॉट बताया जाएगा डोंट वरी इस सब की जानकारी गीता टीचर आपको सभी को देंगे ओके वर्क्स ग्रेट देन ऑल द वेरी बेस्ट यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर तो स्टूडेंट्स आज से कुछ दिनों तक मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी क्योंकि आपकी हिंदी टीचर मिस गीता शी इज ऑन अ लीव तो चलिए क्लास शुरू करते हैं तो अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक के 51 पन्ने पर आइए 51 समीर तुम दूसरी इकाई की पहली चौपाई बरशाही जलत पढ़ो इकाई चौपाई ये क्या है मर गए लेकिन मैं तो बच गया हुए समीर तुमसे कहा मैंने पढ़ो घन खमन नब गर गर्जत खो खोरा प्रिया हीन दर्पत मन मोरा दामिनी धमक रही घन माही खल कई प्रीति जथा धीर धीर नाही ऐसे पढ़ते हैं समीर अगर ऐसे पढ़ोगे तो शाम तक भी चौपाई खत्म नहीं होगी बैठ जाओ कविता को ऐसे नहीं पढ़ा जाता है कविता को रस के साथ पढ़ा जाता है एक मीटर में पढ़ा जाता है अर्थ समझ के स्वर के साथ पढ़ा जाता है अर्थ समझ के पढ़ोगे तो बहुत आसानी से पढ़ पाओगे क्या हुआ इतनी टेंस क्यों मॉम से झगड़ा हो गया मेरा इसे घर छोड़ दिया मैंने हम आज ही मंदिर चलते और तुरंत शादी करते शादी ऐसे अचानक दीप्ति पागल हो गई हो क्या काम डाउन बैठ के बात करें प्लीज प्लीज तुम आराम से बैठो हम बात करते ना बैठो बैठो क्या हुआ है कहां ना झगड़ा हो गया अश्विन दीप्ति तो कौन सी बड़ी बात हो गई एक काम करते हैं मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ मैं आंटी से बात करता हूँ मुझे किसी से बात नहीं करनी अश्विन मुझे अभी के अभी तुमसे शादी करनी है वरना तुमसे भी झगड़ा हो जाएगा दीप्ति हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा ना तुमसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा
अच्छा लेकिन ऐसे अचानक तुम आओ, चलो 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 आओ, मैं आंटी से बात करता हूँ, आओ। सीरियसली क्या ये? सॉरी, सीरियसली सॉरी, तुम्हारे लिए अच्छी बैग दिखी, अच्छी डील पे, रीजनेबल, तो सोचा तुम्हारे लिए बाय कर लूं। तुम दिल्ली जा रहे हो ना, काम आएगी। अश्विन, इट वाज जस्ट अ प्रैंक। एक्टिंग तो अच्छी की थी ना उन्होंने, बोलो। ये कुछ तरीका क्या गिफ्ट देने का? घबरा गया था यार मैं, तुम भी ना। इतना तो हक बनता है ना अश्विन, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। और ये बात तो जरूर है, मेरा कभी मॉम से झगड़ा होगा ना तो मेरा साथ जरूर दोगे, इस बात का यकीन हो गया मुझे। तुम एक काम करो, नौकरी छोड़ दो, तुम भी एक्टिंग ही कर लो। अश्विन क्यों, क्या हुआ? मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? अश्विन अश्विन पैकिंग हो गई? भास्कर दादा, कल सोनल आंटी ने अश्विन भाई और दीप्ति भाभी की शादी कैंसिल कर दी। क्या शादी तोड़ दी? दुबई जा रहा हूँ ना, ना नौकरी का ठिकाना है ना खुद का, ऐसे हाल में क्या करते? अश्विन तूने दीप्ति को बताया था ना कि तू दुबई में जॉब देख रहा है? नहीं, यही तो गलती कर दी इसने, बताना चाहिए था। सगाई हो गई है तुम दोनों की, हक बनता है उसका जानने का। क्यों भास्कर, हक बनता है कि नहीं? अश्विन जॉब के लिए इतनी अच्छी लड़की को लाइफ से जाने नहीं देते यारा। अश्विन भाई, दीप्ति भाभी से एक बार बात कर लो, हो सकता है सोनल आंटी शादी ना तोड़े। शी इज राइट, एक बार बात तो कर। दीप्ति से पूछकर ही शादी तोड़ी होगी ना उन्होंने। फिर भी अभी तक ना कोई कॉल आया उसका ना कोई टेक्स्ट, व्हाट डज दैट मीन? क्या मतलब है उसका? कि शी इज ओके विद द कैंसिलेशन, राइट? अरे वरना रोकती ना अपनी मम्मी को। किस मुंह से रोकती? दो बार तू एक नंबर का, तू उसका जूनियर, उससे गरीब, वो फ्लैट वाले हम चाल वाले, वो कार वाले हम 11 नंबर की बस वाले, लेकिन उसके बाद भी वो तुझसे शादी कर रही थी ना। लेकिन तूने अचानक से दुबई जाने का प्लान बना लिया, वो भी उसे बिना बताए बिना कुछ बोले, तो वो क्या करेगी? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.